दिल्ली क्राइम का ये सीजन आपको हर हाल में देखना चाहिए, समझ लीजिए क्यों। वेब सीरीज की भीड़ में जहां कचरा भी कम नहीं, वहां एक सधा हुआ सीक्वल कॉम्पैक्ट प्लॉट के साथ बिना कहीं भटकते हुए कहानी कह जाना और हर किरदार का दिमाग पर एक छाप छोड़ जाना और सस्पेंस या थ्रिलर सीरीज के आखिर में अधूरा छोड़ जाने के महाघटिया ट्रेंड को नकारती, यानी कहानी को एक सही अंजाम तक पहुंचाती और 5 एपिसोड्स के बाद आपको कुछ बढ़िया देखने की राहत महसूस करवाती सीरीज बहुत कम आती है। पिछले सीजन की सफलता और लोकप्रियता के साथ दिल्ली क्राइम सीजन 2 ने विरासत को आगे ले जाने का काम किया है। पिछला सीजन देखना इसलिए भी जरूरी है कि कहानियों और किरदारों की जिंदगियां पिछले सीजन से आगे बढ़ रही हैं, लिहाजा आप कनेक्ट कर पाएंगे। छोटी मोटी गलतियां भी सुधारी हैं तनुज ने और कहानी को कहीं से भी बिखरने नहीं दिया। दिल्ली की दमदार महिला आईपीएस के जीवन से प्रेरित है शेफाली शाह यानी डीसीपी वर्तिका का किरदार, कड़क फोकस्ड लेकिन न्यायप्रिय और संवेदनशील अफसर जिस पर बहुत बड़े मर्डर केस को सॉल्व करने का जबरदस्त प्रेशर है। वहीं एक मां का दिल भी जो टोरंटो में बैठी बेटी की चिंता में लगा रहता है। शेफाली शाह ने इन सभी रंगों को अपने कैरेक्टर में बेहद खूबसूरती से संजोया है और कहीं भी वो लॉस्ट या इनफेक्टिव नहीं लगेंगी। हाँ, उनका किरदार थोड़ा अंग्रेजी दा ज्यादा है लेकिन जब कहानी और एक्टिंग अच्छी हो तो ये अखरना आप छोड़ सकते हैं। कहानी सेट है दिल्ली में, अचानक दिल्ली के अमीर बुजुर्गों के मर्डर होने लगते हैं। एक मल्टीपल मर्डर में सारे सबूत दिल्ली में एक वक्त पर ऑपरेशनल खूंखार ट्राइबल गैंग की तरफ इशारा करते हैं, लिहाजा पुलिस की पूरी स्ट्रेटजी उन पर फोकस्ड हो जाती है। लेकिन मर्डर का सिलसिला रुकता नहीं, जांच के लिए इस ट्राइब से जुड़े दिल्ली के स्लम एरिया के डीएनटीज यानी डीनोटिफाइड ट्राइबर्स की पकड़ की जाती है। इसमें कई सवाल जहन में उभरते हैं कि क्या कुछ लोगों का अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता या एक ऐसा पूर्वाग्रह हम सबके दिमाग में रहता है जो आसानी से नहीं बदल सकता। खैर, खूब माथा फोड़ने के बाद पता चलता है कि ये ट्राइबल गैंग का काम है ही नहीं, फिर किसका है। ये बेहद शातिर खूंखार दिखने में बॉयज नेक्स्ट डोर हैं लेकिन ऐसे पिशाच हैं जो बेरहमी से कितने भी कत्ल कर सकते हैं। मकसद है पैसा, खूब पैसा। इनकी मास्टरमाइंड है बेहद मॉडर्न रहने और दिखने की चाह रखने वाली एक औरत। महानगरों में ऐसी मॉडर्न दिखने की चाह रखने वाली असंख्य महिलाएं दिखती हैं। तिलोत्तमा शोम ने ये किरदार इतने पैनेपन से निभाया है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक साइको किलर जो खुद को सोशली डिस्ट्रेस मानती है, जिसे सब कुछ मिलना चाहिए था लेकिन दूसरों की वजह से नहीं मिला, लिहाजा उसे बदला लेना है और वो सब छीन लेना है जो उसे चाहिए। इसलिए वो एक वक्त पर अपने पार्लर में क्लाइंट रह चुकी स्टिंकिंग रिच परिवारों की महिलाओं और उनके परिजनों का बेरहमी से कत्ल करती है, लूट करती है, जिंदगी के मजे लेती है। लेकिन फिर गिरोह में फूट पड़ती है और वो अपने 2 साथियों को भी उसी बेरहमी से मार देती है। अब इस एक साइको किलर को पकड़ने के लिए कैसे वर्तिका और उसकी पूरी टीम मेहनत करती है और केस सॉल्व करती है, ये जानना आपको 1 मिनट के लिए भी स्क्रीन से आंखें नहीं हटाने देता। एसीबी नीति के किरदार में रसिका दुग्गल ने एक संजीदा पुलिस अफसर लेकिन नौकरी और घर के दबाव के बीच झूल रही महिला का किरदार बेहतरीन ढंग से निभाया है। इंस्पेक्टर जयराज हो, चड्डा हो, एडवोकेट विनीत हो, कोई कांस्टेबल या हर वो किरदार जो 5 मिनट के लिए भी किसी एपिसोड में आपने देखा, वो इतनी गहरी छाप छोड़ता है कि अगली किसी सीरीज में उसे देखकर आप दिल्ली क्राइम ही याद करेंगे। सीरीज आपको थोड़ी डार्क लगती है, शायद सर्दियों में खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का प्लॉट सेट करना था लेकिन फिर भी कुछ सीन्स लिट अप किए जा सकते थे। दिल्ली की गलियों का जो पिक्चराइजेशन और इस्तेमाल किया गया है वो निर्देशक के बारीक दिमाग को वाहवाही देता है। सीरीज सीधा सीधा पुलिस और अपराधी की बात नहीं करती, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लगातार चलता रहता है, ये नैरेटिव आपको झकझोरता है। कुल मिलाकर दिल्ली क्राइम एक सुपरहिट मस्ट वॉच सीरीज है। अगर आप वेब सीरीज जंकी नहीं है तो दिल्ली क्राइम को तसल्ली से देखना आप मिस नहीं कर सकते। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।